आमेर से सतीश पुनिया यहाँ पर चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। आमेर से बड़ी खबर, जहाँ पर सतीश पुनिया चुनाव हार गए हैं। तो देखिए आमेर से ये बड़ी अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग, जहाँ पर सतीश पुनिया चुनाव हार गए। मेघा, ये बड़ी हार भी मानी जा सकती है। बिल्कुल सोना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बड़ी हार मानी जा सकती है। सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और कद्दावर नेता है, जाट नेता माने जाते हैं। और अगर इतने बड़े नेता प्रशांत शर्मा आगे लीड कर भी रहे थे, लेकिन माना जा रहा था कि धीरे धीरे हो सकता है कि वो सतीश पुनिया आगे लीड ले ले, क्योंकि पहले जीते भी थे। लेकिन अब सतीश पुनिया का हारना बीजेपी इसे कैसे लेगी, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी इस पर रिएक्शन। बिल्कुल जी, नेता बल्कि जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, और उनका चुनाव हारना, मैं सुबह से ये कह रहा था कि उनका चुनाव परिणाम राजपूत मतदाताओं पर डिपेंड करेगा, और वही हुआ कि जो राजपूत मतदाता था उन्होंने सतीश पुनिया को वोट नहीं डाला, और यही आशंका बार बार बीजेपी को भी सता रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि अदर कास्ट से हम इस डिफरेंस को जो है वो कवर कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी दुखद खबर है कि उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो है वो जाट चेहरा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में जाना है, और राजस्थान चूँकि जो जाट समुदाय है वो चुनाव के परिणाम पर अपना खासा प्रभाव डालता है, ऐसे में एक बड़े जाट नेता का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है। मेघा, नमित जैन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। नमित जी, बहुत बहुत स्वागत है, और अब पहले तो इसी पर रिएक्शन दे दीजिए। सतीश पुनिया आ रहे, एक बड़ा नाम है, बड़े नेता है। देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और लगातार संगठन में उन्होंने काम किया है, देखते हैं क्या कारण रहा। नहीं तो अच्छे वोटों से जीतने का था उनका, तो हो सकता है समीकरण। लेकिन सर, वो मतदान होने के बाद गणित तो बैठा लिया जाता है, तब पता तो चल ही जाता है कुछ कुछ। अब तक तो आपको पता चल गया होगा बीजेपी को, मतलब कि क्या कुछ कारण हो रहे हैं, क्या रह रहे हैं जी। भी इस पे कोई कहना जल्दीबाजी होगी, समीक्षा की जाएगी क्या कारण रहे हैं। राजपूत वोट का जिक्र कर रहे थे सुधांशु जी, क्या वो कारण हो सकता है? नमित जी जी, वो राजपूत वोट कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, अभी समीक्षा की जाएगी, किस बूथ से हारे हैं, किस बूथ पे कम वोट डाला है वो देखा जाएगा। सर वो डिसेक्शन तो बाद में कर लीजिएगा, अभी तो फिलहाल चुनाव हार गए, और मोटा मोटी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पर भीतरघात, और राजपूत मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालना, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका भी रुख कर लेते हैं। राधेश्याम जी, बीजेपी लीड जरूर ले रही है, लेकिन बड़े ऐसे अचंभे वाली खबरें जो है वो नजर आती हैं। एक तरफ राजेंद्र राठौड़, वो अभी तक उनको लेकर रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी तक वो लीड नहीं ले रहे थे।